बैक टू चैनल। आज हम एक उसको फुल एक्सटीरियर क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली क्लीनिंग में करूँगा आज। तो स्टार्ट करते हैं पहले मोटोमैक्स कार शैम्पू से। तो मैं मोस्टली मोटोमैक्स के प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें कार शैम्पू लाइक बहुत यूज़फुल होता है बेसिक क्लीनिंग के लिए। उसके बाद ये मैं लास्ट में यूज़ करूँगा, मोटोमैक्स का क्रीम पॉलिश है, बढ़िया प्रोडक्ट है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आज ही लाया हूँ, इसीलिए मैं अभी तक यूज़ नहीं कर पाया हूँ इसे। रबिंग कंपाउंड मैंने पहले बहुत यूज़ किया है, ये स्क्रैचेस और स्कोर्स निकालने के लिए बहुत काम आता है, गाड़ी से सारे स्क्रैचेस निकाल देता है। और आखिर में मेरे पास ये है जो लाइक मैं बेसिक पॉलिश यूज़ करता हूँ बाइक पॉलिश, मोटोमैक्स का, अच्छा खासा है, ले गाड़ी में भी चल जाएगा। वैसे चले देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बिना देर के वॉशिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हो चुका शॉर्ट देखिए, गाड़ी पे इतनी गंदगी हो गई है। तो गाइस गाड़ी को फोम से स्क्रब करने से पहले एक बार पानी से फुल्ली रिंस करें, जो जो धूल मिट्टी जो चिपकी हुई रहती है वो एक बार लूज हो जाती है। तो गाइस एक बार गाड़ी को रिंस करने के बाद 2 से 3 लीटर पानी में 10 या 15 ml मोटोमैक्स का शैम्पू को मिलाइए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, जब तक क्लियर फोम ना आ जाए तब तक मिक्स करते रहिए। और हमेशा क्लॉथ को ऐसे मतलब इस पोजीशन में फुल करिए, कभी भी रोटरी मोशन में कभी क्लीन मत कीजिए क्योंकि उसमें स्वर्ल्स आने के चांसेस बहुत रहते हैं। सो वॉशिंग तो पूरा हो गया है। तो वॉशिंग करते समय मैंने 2 बकेट्स यूज़ किए थे, मैंने मशीन वॉश नहीं किया था इस बार, 2 बकेट्स यूज़ किए थे, एक में सादा पानी था, एक में कार शैम्पू मिक्स था। तो हमेशा 2 बकेट्स यूज़ करना है, एक बार कार शैम्पू में डुबा के, एक बार बोनेट मतलब जो बोनेट मतलब पूरे गाड़ी में एक बार लगाने के बाद फिर उसे नॉर्मल वाटर में रिंस करना है, उसके बाद फिर से शैम्पू में लगा के गाड़ी पे ऊपर लगाना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं बोनेट का जस्ट फिनिशिंग टच है कंपाउंड डालने से पहले। तो कंपाउंड 2x रबिंग कंपाउंड यूज़ कर रहा हूँ मैं मोटोमैक्स का, कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं है, मुझे उनकी सीधी सच्चाई क्योंकि मुझे मैंने मैंने तो पूरा सेट लिया है उनका, जो मतलब जो वॉशिंग आता है, मैं सिर्फ इंटीरियर डैशबोर्ड पॉलिश नहीं है मेरे पास, तो वो भी जल्दी लूँगा। आप स्क्रैचेस तो क्लियरली देख ही सकते हैं, ये देखिए, पता नहीं क्या हम जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, पक्का पक्का इसमें ही दिखाई दे रहा है, दिखाता हूँ बॉडी पैनल साइज कर्व्स में, देखिए पता नहीं जस्टिफाई हो रहा है कि कैम में।
दोस्तों माफ़ कीजिएगा, कैम तो जस्टिफाई नहीं कर पाया स्ट्रैचेस की। बोनेट के ऊपर मुझे लाइक स्वॉल्स और स्क्रैचेस दिख रहे हैं छोटे छोटे छोटे, जो आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो क्या करता हूँ मैं, उन स्क्रैचेस को मार्कअप कर देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर कंपाउंड लगाता हूँ। ये कंपाउंड मैं यूज़ करने वाला हूँ, मोटोमैक्स का 2x रॉम्बिंग कंपाउंड, ये देख सकते हैं। इसके थोड़े मतलब गाइडलाइंस है और डायरेक्शन से यूज़ के लिए, पहले ये कंपाउंड को अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं तो अंडर डायरेक्ट सनलाइट वाले से अप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि अंडर डायरेक्ट सनलाइट अप्लाई करेंगे तो मैं एक बार मैंने स्कूटर में करके दिखाया था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसके इफेक्ट्स बहुत बुरे आए थे। इसीलिए डायरेक्टली पहले हम गाड़ी वैसे भी पोज के अंदर है, का पोज के अंदर है, बाहर नहीं है गाड़ी। बाइक तो वैसे ही मैंने धो के रखा है, बाहर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बाइक यहाँ पर वॉश्ड है कम्प्लीटली, इसके वॉशिंग का इसका पॉलिश बाकी है, जो मैं कुछ देर के बाद करूँगा इसका पॉलिशिंग होगा। फिलहाल के लिए हम गाड़ी में देखते हैं। स्वर्ल्स में आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नोटिसेबली देख सकते हैं कि पीछे ये देखिए, यहाँ पर देखिए इस पोर्शन के ऊपर ही यहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े स्क्रैचेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी गाड़ी में होते हैं, यहाँ पे बहुत विजिबल दिख रहे हैं, पता नहीं ये देख सकते हैं आप, देख सकते देखिए देखिए ये देखिए देख सकते हैं ना छोटे छोटे स्क्रैचेस। ये जब मैं कार डिलीवर लेता था तब भी मौजूद थे, एक भी उन्होंने पॉलिश डाला था, क्योंकि उतने विजिबल नहीं थे। अब जब पॉलिश हट गया है तो क्लियरली विजिबल आ रहे हैं, तो अभी के लिए पॉलिश लगाते हैं। उस कंपाउंड को कहाँ रखें, चलो यहीं रखते हैं। सेफ हाथ से भी ले सकते हैं, पहले हम इस सेक्शन में डालेंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कीजिए अपोनेंट के ऊपर, सेक्शन वाइज जाइए, क्योंकि ये मैं जैसे कि ये सेक्शन कर रहा हूँ, उसके बाद ये सेंटर पीस आता है, उसके बाद ये सेक्शन आता है। सेक्शन वाइज करेंगे तो मतलब वो मतलब आपको पता चलेगा किस पार्ट में बाकी है और किस में हो गया है। अच्छे से स्प्रेड कीजिए इसको, और अब स्प्रेड करने के बाद 5 मिनट के लिए ड्राई होने दीजिए। गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार इसके ऊपर इसके कपड़े में से इसको स्क्रब करना पड़ेगा पूरी तरह से। स्टार्ट करेंगे, जेंटल प्रेशर अप्लाई करने में, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, देख सकते हैं कि आप स्क्रैचेस बहुत डिम हो चुके हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। देखिए एक लेयर सा आ गया है इस कंपाउंड की वजह से, देखिए एक लेयर आ गया है ऊपर से। मैं रिकमेंड करूँगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ, जो बेस्ट है लीनिंग के हिसाब से। फिलहाल के लिए मेरे पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैं सादा कपड़ा यूज़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं फिनिश। तो बोनेट के ऊपर पूरा स्क्रबिंग हो गया है, तो रिजल्ट सब के सामने है। एक शाइन सी डेवलप हो गई है, एक लेयर सा आ गया है बोनेट के ऊपर। तो सिर्फ अब फिलहाल के लिए मैंने बोनेट के ऊपर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्वेल्स और स्क्रैचेस मतलब बहुत विजिबल थे वॉशिंग के बाद, इसलिए रिजल्ट आपके सामने है जैसे आप देख रहे हैं। ये स्क्रैच की लाइन देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पे ऐसी चली है, ऐसे क्रॉस मार्क्स से स्क्रैचेस हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या हम जस्टिफाई कर रहा है कि देख सकते हैं ना, पेंट थोड़ा खिसक गया है वैसे दिख रहा है। स्टेप 1, क्लीन कपड़ा लीजिए और एक बार इसके ऊपर चलाइए, एक बार मतलब जो डस्ट जो ग्रिट अभी भी मतलब जो रह गई है वो सब एक बार क्लीन हो जाएगी। इसके बाद इस पैनल में देख सकते हैं यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पर लाइट है लेकिन यहाँ पर विजिबल है, देख सकते हैं थोड़े मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, ये देखिए। स्टेप 2 की इसके ऊपर कंपाउंड लगाना पड़ेगा, मैंने कंपाउंड लिया, फिलहाल के इतना ही पीस कर रखा हूँ। सर्कुलर मोशन के टाइप पर अप्लाई कीजिए, एक बार एप्लीकेशन होने के बाद 5 मिनट्स के लिए इसे थोड़ा सूखने दीजिए।
5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो गाइस 5 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब बारी है स्क्रबिंग की। एक देखते हैं, अच्छी तरह से स्क्रब करना है इसके लिए। ये एडीसिव एक फिलर के टाइप काम करता है, जो स्क्रैच छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं, जितना पेंट उकड़ने का सिर्फ स्क्रैच आया है, क्या करता है वो फिल करता है। देख सकते हैं, देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं, शाइन वापस आ गई है। इसके बाद मैं क्रीम पॉलिश करने वाला हूँ पूरी गाड़ी के ऊपर, वो इसके बाद होगा। लेकिन एक बार ये कंपाउंड लगाने के बाद एक बार पानी छिड़कें और इसके पानी से एक बार क्लीन करें, उसके बाद पॉलिश डालें। देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जो स्वर्ल्स थे सब गायब हो गए हैं। टू एक्स कंपाउंड के पास एक बार मैंने रिंस किया था बोनेट को कम्प्लीटली पानी से, इसके बाद आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। जो स्वर्ल मार्क्स थे बोनेट के ऊपर वो सब गायब हैं, कोई भी एक भी स्वर्ल मार्क नहीं दिख रहा है गाड़ी के ऊपर। पूरी गाड़ी को मैंने कंपाउंड नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्क्स थे वो अब विजिबल ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी एक स्क्रैच था छोटा सा, वो भी हट गया है। तो टू एक्स रबिंग कंपाउंड मैंने करीब 100 रुपये देते, मुझे बहुत बहुत लगा वो कि काम बढ़िया करता है। और जो जो सोयल मार्क्स जो गाड़ी में रहते हैं ना, वो जब इरीटेट करते हैं जब आप एक बार गाड़ी देखते हैं, तो वो सब गायब हो जाते हैं इस कंपाउंड की वजह से। इस कंपाउंड का कमाल है। इसके बाद हम वैक्स करेंगे, वैक्सिंग करेंगे इसके ऊपर, सो उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वैक्सिंग से पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं ये वैक्स यूज़ कर रहा हूँ, मोटोमैक्स का क्रीम पॉलिश है। कुछ अच्छे यूजर्स है इसके, मतलब जो एक फिनिश रहता है ना लास्ट आपको वॉश के बाद, वो ये कंपाउंड देता है। लेकिन जो सोवल में से वो 2x रबिंग कंपाउंड जो मैंने पहले यूज़ किया था वही यूज़ करना पड़ेगा, ये सिर्फ वैक्स का फिनिश के लिए है। तो एक ये लगाने से पहले आपको एक बार गाड़ी फुल पोश करनी चाहिए, क्योंकि वॉश के बाद कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो आप गाड़ी में रह जाते हैं, इसको देख सकते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो गाड़ी में रह जाते हैं, इसके लिए एक बार गाड़ी पूरी तरह से पोछनी पड़ेगी, क्लीन करनी पड़ेगी। फिर से गाड़ी में यूज़ करा, मैं गाड़ी ही बताने में भूल ही गया, ये है फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल टाइटेनियम। तो फिलहाल के लिए बोनेट क्लीन है, तो मैं स्टार्ट करूँगा वैक्सिंग, जो क्रीम पॉलिश है डायरेक्टली बोनेट चाहिए, शुरू करते हैं। तो कंपाउंड के लिए हमें ये स्क्रब मिलता है, शाइन के लिए एक बार वैक्स लेंगे कुछ, ये आप हाथ से ले सकते हैं या कंपाउंड में डाल के ले सकते हैं। फिलहाल की जो एक्स्ट्रा वैक्स है वो लगाएंगे हम लोग, या सेक्शन वाइज पॉलिश कीजिए। रिजल्ट इसके पास में बाद में देखने को मिलेंगे आपको, देख सकते हैं शाइन एक बार मैंने अप्लाई कर दिया है पूरी तरह से, अभी तक चमक नहीं आई है क्योंकि इसको लास्टली कपड़े से पोंछना पड़ेगा एक बार। उसके एप्लीकेंट से स्पॉन्ज आता है उसके साथ, उसे अप्लाई करना है आपको। पूरी बॉडी में मैंने कर दिया है, अब रिजल्ट देखते हैं कि शाइन कैसा आता है। तो जो बोनेट का पॉलिश है वो कम्प्लीट हो गया है, मैं क्रीम पॉलिश करने लगाया। जो शाइन देख रही है आप लोग, पता नहीं अब शाम के 6 बजे क्या हम जस्टिफाई कर रहा है कि पता नहीं, लेकिन जो शाइन आ रही है ना, मतलब वाकई कुछ और ही है। देख सकते हैं क्लीन, बहुत क्लीन फिनिश आया है इसमें क्रीम पॉलिश मोटोमैक्स में, मुझे लाइक कम्प्लीटली पैसा वसूल लगा। आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं, जो उनकी कम्प्लीट रेंज है मोटोमैक्स की वो कम्प्लीटली ट्राई कर सकते हैं एक बार। देखिए इसके बाद मैं पूरे गाड़ी को पॉलिश करूँगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस पॉलिशिंग करके रात हो गई थी, इसीलिए जो इसका एंड रिजल्ट आया वो मैं इसी ब्लॉग में कल सुबह दिखाऊंगा। तो एक ही विनती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो गाइस ये ब्लॉग मैं आज सुबह कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल मैंने पूरी वैक्सिंग कंप्लीट करके बॉडी कवर डाल के रख दिया था गाड़ी को। आज सुबह मैं एक बार बॉडी कवर रख के एक बार थोड़ा सनलाइट में रख दूंगा गाड़ी को।